हाँ भाई यात्रियों, कहाँ चले गए सभी लोग? आजकल केदारनाथ धाम बिल्कुल पूरा खाली पड़ चुका है, पूरा सुना सुना हो चुका है। अभी 4 बज रहे हैं। 15 दिन पहले यानी 15 दिन तक जो यात्रा चली है उसमें जो पिछले सारे रिकॉर्ड थे वो टूट गए और रिकॉर्ड नए बन गए। बट अभी यहाँ पे केदारनाथ धाम पूरा सुना सुना सा लग रहा है। अभी 4 बज रहे हैं और अभी मैं आस्था पथ पे हूँ। ये जो शेल्टर वाला मार्ग है इस पे काम भी चल रहा है अभी। और जो यात्रा वाली लाइन है वो 4 बजे हेलीपैड के पास हुआ करती थी, कभी कभी बेस कैंप के पास। बट अभी जो लाइन है वो यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हैं आप, बहुत आगे जा चुकी है लाइन। बाकी हर हर महादेव, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा और अभी हूँ मैं केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ से आपको हर एक छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं खुद हैरान हूँ। भीड़ को देखें, क्राउड बिल्कुल ही कम है मंदिर में, मंदिर प्रांगण में भी और इधर साइड भी। जो दर्शन करने की जो लाइन लगी होती थी वो अभी तक इस टाइम के लिए, कभी कभी जो पुल है यहाँ पे सरस्वती नदी के ऊपर, कभी कभी वहाँ पे होती थी, कभी कभी जो सामने वाली मार्केट है उधर साइड होती थी, कभी कभी हेलीपैड के पास, कभी कभी बेस कैंप के पास। बट मैं आज खुद हैरान हो गया जब 4 बजे आया मैं और देखा, मैं लाइन देखने गया था पुल के पास। बट मैं जब आया उधर से लाइन देखते देखते देखते, बट मैं जब यहाँ पे आया लास्ट में, मैंने देखा कि लाइन यहाँ से भी बहुत आगे जा चुकी है। यानी मंदिर के पास नहीं, सिर्फ जो लोग अभी आ रहे हैं उनके सिर्फ जो दर्शन है उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं खड़ा रहना पड़ रहा है, 1 घंटे में दर्शन हो जा रहे हैं आसानी से। तो आप लोग आओ, जो नहीं आए अभी तक, ये टाइम है अब आने का। जिस टाइम शुरुआती टाइम था उस टाइम सब आना चाहते थे, इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोगों ने दर्शन भी किए। बट उस टाइम, वो टाइम थोड़ा केदारनाथ यात्रा का एक पीक टाइम होता है, उस टाइम क्या है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे भी दर्शन पहले हों, हमारे दर्शन पहले दिन हों। बट ये है कि अब जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है केदारनाथ धाम में। और यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ के प्रशासन ने, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रशासन ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ। बाकी बात करें अभी सोनप्रयाग, सीतापुर और जो नीचे गौरीकुंड है, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे क्राउड मेंटेन हो रहा है आराम से, आसानी से। उधर पे क्या है कि लोग पर्सनल गाड़ियाँ ज़्यादा लेके आ रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, तो लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप आते हो तो आप ज़्यादातर बस में आने का ट्राई करिएगा। अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके आओगे तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ट्रैफिक में ज़्यादा रुकना पड़ेगा। बाकी अभी वहाँ पे भी धीरे धीरे क्राउड कम होता जाएगा। अब तो ये है कि यात्रा का जो पीक टाइम है वो चले गया 15 दिन। अभी ये है कि देख सकते हैं आप, अभी भी जो क्राउड है ये देख सकते हैं, अभी भी यहाँ से भी लाइन नहीं दिख रही है। जहाँ पे अभी पुलिस वाले सर खड़े हैं उसके भी काफ़ी आगे तक लाइन जा चुकी है। यानी मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूर तक की लाइन लगी है यहाँ पे दर्शन करने की। और अभी भी कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो ये शेल्टर वाला मार्ग है, इधर पे चल रहा है अभी काम कुछ आजकल, इधर साइड ही देख सकते हैं। अभी ये नदी आप जो देख रहे हैं, ये है मंदाकिनी नदी, और जो ये ऊपर से नदी आ रही है ये है दूध गंगा, इसका नाम है दूध गंगा। ये आती है ऊपर से बिल्कुल हिमालय पर्वत से, इधर से जिधर की साइड वासुकी ताल है, और मंदाकिनी नदी आती है इस वाले हिमालय पर्वत से। बाकी ये जो दर्शनार्थी है कुछ लोग अभी आ रहे हैं, और इनके जो नंबर है, इससे पहले जैसे यात्रा स्टार्ट हुई थी तो जिस टाइम, इस टाइम अगर कोई लोग आते थे तो वो लाइन पे नहीं लगते थे, क्योंकि दर्शन नहीं होते थे, हो पाते थे, क्योंकि जो लाइन होती थी, लाइन आपका हेलीपैड के पास तक होती थी या बेस कैंप के पास तक होती थी, और 9:30 बजे और दर्शन बंद कर देते थे। बट अभी क्या है कि लाइन जो है बिल्कुल बहुत शॉर्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं क्योंकि इधर पे काम चल रहा है, आगे इन्होंने पर्दा बांध रखा है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इधर पे जो ये वाला मार्ग है इसमें पूरा काम चल रहा है, जिस वजह से जो पुलिस वाले हैं वहाँ से, प्रशासन लोगों को, किसी लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि लाइन कहाँ पे लगी है। मैं आगे से आपको दिखाऊंगा। अब ये काम भी अभी चलता रहेगा, ये काम अभी केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट का हर जगह चालू कर दिया है, केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं, और ये लाइन बस सिर्फ यहीं से 300 मीटर दूरी पर है केदारनाथ मंदिर। और ये वाला आप देख सकते हैं, कुछ श्रद्धालु इधर से आ रहे हैं जिनको लाइन का पता नहीं लग पा रहा है, और उसके बाद वो फिर यहाँ से सीधा, यहीं से लाइन लग रही है अभी, और यहाँ से जहाँ पे वो लोग दिख रहे होंगे आपको ऊपर, ये वाले, बस वहीं से मंदिर है इधर के साइड। तो ये था आस्था पथ, इसका नाम है आस्था पथ, और इधर पे ही लाइन लगती थी। बट इधर पे अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, ये देख सकते हैं आप, और इसलिए यहाँ पे आगे ग्रीन पर्दा लगा हुआ है। अभी ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा हुआ, नहीं तो लाइन पहले एक ही लगती थी। बट श्रद्धालु ही नहीं है, जिस वजह से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। इनको भी पता आजकल श्रद्धालु है नहीं, तो ये लोग भी अभी इन्होंने काम अपना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। कुछ कुछ लोग अभी आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग इधर से जा रहे हैं,
क्योंकि जो लाइन है काफी शॉर्ट है, ये देख सकते हैं काफी लोग इधर से जा रहे हैं। बाकी आस्था पति इसका नाम है और इस पे 10 ऐसी एलईडी टीवी लगवाई हुई है गवर्नमेंट ने, जिसपे लाइव केदारनाथ के दर्शन होते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या है कि लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती थी, तो श्रद्धालु जो है उनको सात सात आठ आठ घंटे लग रहे थे और बोर हो रहे थे। तो अभी सरकार ने ये लगवाई थी, यहाँ पे एलईडी लगवाई थी और इस पर लाइव दर्शन करके लोग जा रहे थे, ये देख सकते हैं। अभी तो लाइन काफी शॉर्ट है, सीधा लोग आगे जा रहे हैं, आराम से इधर से आ रहे हैं और उसके बाद सीधे आगे की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो इधर से आ रहे हैं, क्योंकि आगे से रास्ता बंद है। इधर से यहाँ पे ग्रीन पर्दा, जैसे कि बता रहा हूँ मैं आपको, काम चल रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे एक पुलिस वाले सर की ड्यूटी भी लगवाई गई है इसीलिए कि ताकि लाइन मेंटेन हो सके। और इधर से REF लाइन, कितने का देते हो भाई प्रसाद? भाई 100 वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है, 500 वाला है। अच्छा, सबसे कम 100 वाला है और सबसे ज्यादा 500 वाला है। सबसे कम 50 वाला है। 50 वाला कौन सा है? 50 वाला ही है। अच्छा अच्छा, ये 50 वाला है। 100 वाला? 100 वाला है। अच्छा, ये 100 वाला है और 200 वाला है। अच्छा, ये 200 वाला है। इसमें क्या है 200 में? आपको चुंदरी मिल जाएगा। अच्छा, पत्थर मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ का सिक्का मिल जाएगा, धूप मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, 250 वाले में सिर्फ गमछा डाल दो। अच्छा, 250 वाले में ये सारी चीजें और गमछा भी मिलेगा। ये वाला है ना, ये गमछा मिलेगा, ये 250 का है। इसके बाद कौन सा है हाईएस्ट? 500 वाला कौन सा है? 500 वाला जो है, 500 वाले में ये रुद्राक्षी माला मिलेगी गमछे के साथ और वो सारी चीजें मिलेगी हैं। तो इसमें क्या है? इसमें ज्यादा आइटम आता है। क्या आइटम, क्या क्या है इसमें? जैसे माला आती है, ये गमछा आता है। अच्छा, चुंदरी आती है, पत्थर, धूप, ये बस में आते हैं। ये क्या है? चंदन आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शहद आते हैं, गुलाब जल आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चीज मिलते हैं। अच्छा, ये 500 रुपए का सिंदूर तो मिलता है। तो जो आप इधर साइड देख रहे होंगे, इसका नाम है आस्था पथ और इसके ऊपर सारे शेल्टर लगे हुए हैं और शेल्टर वाला मार्ग अभी बोल सकते हैं आप इसको, और इसका नाम आस्था पथ रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन पर्दा लगा हुआ है। ये ग्रीन पर्दा इसलिए लगा हुआ है ताकि इधर से श्रद्धालु एंट्री ना कर पाए। अभी इधर से जा रहे हैं, ये इधर साइड अभी देख रहे होंगे आप, ये है मंदाकिनी नदी और ऊपर से आ रही है दूधगंगा नदी, ये देख सकते हैं बैक एंड साइड में आप। पुल देख रहे होंगे इधर साइड, ये पुल जाता है पुराने बेस कैंप के लिए। उधर GMBM के अभी भी कैंप्स लगे हैं और वहाँ पे जो बाबा बर्फानी भंडारा के नाम से चलता है, उधर पे मंदिर भी है, श्री ललित महाराज जी का आश्रम भी है वहाँ पे। और यहाँ से एंट्री होती थी, इधर से कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं अभी, वो सीधा इधर से जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो बीच में से घुस जाएंगे इसी में, क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, पूरा वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप, और मशीनें वगैरह ला रखी। क्योंकि ऊपर क्या है कि जहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, इसके ऊपर ना इन्होंने फट्टे लगवाने होते हैं, और फट्टों के बाद मतलब फट्टे बोले तो अच्छे तरीके से उसको, जैसे आपने आगे मैंने आपको दिखाया पिछली वीडियोज में, ऊपर क्या है कि वो ऊपर अच्छे तरीके से उसमें लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं और उसके बाद लाइटिंग हो रखी है। बट अभी क्या है कि अभी यहाँ पे इस पे ये बिल्कुल सेंटर ही रह रखा है पूरा, अच्छे तरीके से उसको डिजाइन नहीं किया हुआ ना, यहाँ पे रात को लाइट रहती है ऊपर ऊपर तक, जहाँ पे वो पूरा काम हो चुका है वहाँ तो लाइटिंग रहती है रात में, अच्छे अच्छे लाइट लगवा रखी उन्होंने डिजाइन वाली लाइट। बट यहाँ पे क्या है कि पूरा ये सेंटर है, यहाँ पे कोई लाइट लूज नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे अभी पर्दा लगा रखा है, ये देख सकते हैं। और ये भी इसलिए लगा रखा क्राउड को देखते हुए, क्योंकि क्राउड बिल्कुल कम हो गया तो उनको भी उनका भी काम करने का उनको मौका मिल गया, और इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं अपना, केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट का काम रेगुलर चालू कर दिया उन्होंने। बाकी ये व्यू आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं श्रद्धालु अभी भी काफी तादाद में आ रहे हैं, देखो जैसे ही आते हैं लोगों के, आजकल बढ़िया ठाट है, कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती, तुरंत तुरंत सीधे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे केदारनाथ मंदिर में। तो इसलिए आपसे भी मेरी यही सलाह है और रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने आना है केदारनाथ धाम दर्शन, तो ये वाला जो टाइम है सबसे अच्छा टाइम है, ना कोई बारिश है आजकल, अब कल तो आई थी बारिश बट आज नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बरसात के टाइम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे 7-8 दिन में यहाँ पे मौसम खराब तो बताया हुआ है, बट आज तो अच्छा है मौसम, देख सकते हैं अभी भी कोई यहाँ पे बूंदाबांदी भी नहीं हुई, कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी।
बट अगर कोई आना चाहता है तो अभी प्लान कर सकता है आराम से, और अपने जो दर्शन है वो कर सकता है, क्योंकि जो 2 महीने हैं आने वाले, अब जुलाई और अगस्त, उसमें तो दर्शन करना नामुमकिन हो जाता है इधर पे बरसात में। तो इसीलिए ये वाला जो टाइम है अभी प्लान करिए, क्योंकि ना अभी क्राउड है और अभी दर्शन भी आपके अच्छे से होंगे। तो इसीलिए अगर आपने आना है तो अभी आइए। तो अभी जो केदारनाथ धाम में है, यहाँ पे दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं है कि दर्शन करने की जो लाइन है वो कहाँ से लग रही है। लोग सीधे यहाँ से जो मंदिर के फ्रंट वाले व्यू पे, मंदिर के फ्रंट प्रांगण में जा रहे हैं, वहाँ से फिर उनको वापस भगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से तो दर्शन करने नहीं देंगे। दर्शन करने की जो लाइन है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दर्शन करने की लाइन इधर से, दर्शन करने की लाइन इधर से लग रही है। जितने भी ये श्रद्धालु हैं, ये लोग इन अभी मंदिर प्रांगण में गए थे, बट वहाँ से डायरेक्ट दर्शन नहीं करने देते, वहाँ से वापस इनको भेजा जा रहा है। और उसके बाद जो लाइन लगी है शेड्यूल से, इधर से यहाँ से अभी हरा ग्रीन पर्दा ही लगा हुआ है, इसके इधर से जो मंदाकिनी नदी से जो रास्ता जा रहा है वहाँ से जाना होता है। उसके बाद इसी मार्ग में जो आस्था पथ जिसका नाम रखा हुआ है, इसी मार्ग में घुसना होता है अंदर, और वहाँ से फिर, क्योंकि काम वहाँ से कम्प्लीट है, वहाँ से फिर लाइन लगी है। तो लोगों को ये पता नहीं है, तो अभी 2 से 4 दिनों तक जब तक ये काम चल रहा है, शायद क्या पता है 1 महीने चले। तो अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर में ना जाके पहले दर्शन करने की लाइन में लगे, और उसके बाद दर्शन करने के बाद अपने जो फोटोग्राफी है भीमशिला के दर्शन है उसके बाद वो करें। तो इसीलिए पहले वहां पे मंदिर में न जाए बल्कि दर्शन करने की लाइन पे लगे। लाइन आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, इधर से जा रही है लाइन, ये देख सकते हैं, इधर से आना होता है जो पुल है, इधर से आना होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से जाना होता है अंदर। बट लोगों को, लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ना ग्रीन पर्दा लगा रखा, पता नहीं लग रहा है क्योंकि काम चल रहा है आगे। तो नीचे से जाना होता है, उसके बाद फिर इसी आस्था पथ में आ जाना होता है। बाकी ये देख सकते हैं, इतने लोग जा चुके थे ये केदारनाथ मंदिर में, इनको लगा कि सीधे मंदिर से ही हम दर्शन कर लेंगे, बट वहाँ से आप सिर्फ बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर गर्भगृह के आपने अगर दर्शन करने हैं तो आपको दर्शन करने की लाइन पे ही लगना पड़ेगा। ऐसे में आप सिर्फ मंदिर के बाहर तक ही जा सकते हैं और वहाँ से मत्था टेक सकते हैं। तो इसलिए लोग जो इधर से गए थे वो ज़्यादातर वापस आ रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा से लाइन पर लग रहे हैं। बाकी ये है ओम का व्यू, ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, बट ये रुका हुआ है अभी क्योंकि क्राउड बीच में ज़्यादा था। ये भी चालू हो जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है। और ये है सामने ओम, और लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे पुल है, पुल से सीधा ही ऊपर जाते हैं, पुल से एक रास्ता आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो गेस्ट हाउस बना हुआ सामने, ये वाला गेस्ट हाउस गवर्नमेंट का, यहाँ से इसके बीच से आता है रास्ता पुल से, जो सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ, लोग सीधे वहाँ से इधर आ रहे हैं, क्योंकि लाइन तो दिख नहीं रही। इससे पहले तो क्या था कि लाइन सीधे बेस कैंप से ही दिख जाती थी, या जहाँ पे आपका हेलीपैड है वहाँ से दिख जाती थी, या जहाँ पे टोकन मिलते वहाँ से दिख जाती थी, बट अब लाइन दिख ही नहीं रही। लोगों को लग रहा कि सीधे मंदिर में जा रहे हैं सीधे यहाँ से, तो यहाँ से क्या है, जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से दर्शन करने नहीं दे रहे, इसलिए फिर वापस लोगों को भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये इधर साइड ओम बना हुआ है ये, और यहाँ पे कुछ दिन में ये वाला गेस्ट हाउस भी तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी मसाला बन रहा है, और साथ में पीछे तो बन के रेडी हो चुका है, सेम जिस तरीके से ये पीछे वाला गेस्ट हाउस बना हुआ है सेम ऐसे ही बनेगी पूरे केदार नगरी में, सारे जितने भी यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इधर पे काम अभी रेगुलर है, और साथ में दर्शन भी हो ही रहे हैं। तो ये भाई लोग भी यहाँ पे इतने ठंड में काम करते हैं, तो इनके लिए भी बहुत बड़ी शक्ति चाहिए भाई इसके लिए, और महादेव ने इनको ये शक्ति दी हुई है। और ये देखो सीमेंट यहाँ पे कैसे लाया जाता है, देख सकते हैं आप, तो बहुत मेहनत लगती है भाई केदारनाथ में सामान लेके आने में और घर बनाने में, तो स्पेशली इसलिए यहाँ पे थोड़ा महंगाई भी ज़्यादा है, तो उससे आप कतराइए मत। बट अगर ज़्यादा ही कोई बहुत ही ज़्यादा महंगा, दुगुना तिगुना चौगुना यानी 10 गुना लगाता है, तो वो तो फिर गलत है, तिगुना तक चलता है कि अगर 20 रुपये की चीज़ तुम 60 में भी दे रहे हो तो उतना चलेगा, पर इतना नहीं है कि आप 20 रुपये की चीज़ 150 में दे रहे हो, गलत है।
तभी मैं बोलूँ कि दर्शन करने की जो लाइन है वो इतनी ज्यादा शॉर्ट क्यों है आज। एक्चुअली लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि लोग सीधे यहाँ से जो ये रास्ता आ रहा है इधर साइड से, यहाँ से सीधे ऊपर जा रहे हैं मंदिर के पास और मंदिर के बाहर मत्था टेक रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि वहीं से सीधा लाइन लगेगी गर्भगृह दर्शन के, यानी मंदिर के अंदर जाने के लिए। बट वहां से जो पुलिस प्रशासन है वो उनको वापस भेज रहा है, क्योंकि वहां से तो अंदर जाने नहीं देंगे गर्भगृह में, वहां से सिर्फ आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं, और आप वहां से बाहर से मत्था टेक सकते हैं, बट आप वहां से मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को वहां से वापस भेजा जा रहा है। तभी मैं बोल रहा हूं कि जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा कम क्यों है आज, बट वैसे भी क्राउड कम है, इसीलिए शायद लोग ये गलतियां कर रहे हैं। अगर शायद क्राउड थोड़ा होता है, लाइन लगी होती थोड़ा पुल के पास तक या आसपास कहीं दिख रही होती, तो लोगों को पता लग जाता कि ये वाली लाइन है, इसलिए लोग सीधे यहां से जो पुल से आता है रास्ता सरस्वती नदी जो बह रही है इधर से, वहां से सीधा लोग इधर को आ रहे हैं देख सकते हैं, और यहां से ज्यादातर लोग ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे वहां पे मंदिर के फ्रंट पे जाएंगे, ये सोचेंगे कि यहां से सीधा मंदिर में हमें एंटर करने देंगे, बट ऐसा नहीं है। लाइन वाइज यहां पे शेड्यूल वाइज आपको दर्शन करने पड़ेंगे, जो कि सभी के लिए सेम रूल है। तो फिर क्या है कि अब इनको दोबारा से जो कुछ कुछ लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जैसे ये जाएंगे तो इनको अंदर नहीं घुसने देंगे, फिर ये वापस आएंगे और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे ओम के पास, और ओम के पास से फिर जो शेल्टर वाला मार्ग है जिसका नाम आस्था पत्र का हुआ, वहां से जाएंगे। बाकी ये देख सकते हैं आप इधर पे पानी वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा अव्यवस्था है भाई अभी, क्योंकि क्या है केदारनाथ में जगह जगह अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं ये लोग ऊपर जा चुके थे अभी मंदिर में और इनको अभी वापस भेजा जा रहा है देखो, क्योंकि वहां से सीधा आपको दर्शन नहीं करने देंगे। वहां से भीमशिला में तो कोई आपके लिए लाइन नहीं लगी होती है, कोई वहां पे आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती, वहां तो आप दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, बाहर से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट आप भैरव मंदिर के लिए भी वहां के लिए आपको कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती, बट जब मंदिर के गर्भगृह के आपने दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको शेड्यूल वाइज लाइन लगानी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको आगे जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, केदारनाथ धाम में क्राउड हो या ना हो बट मंदिर के फ्रंट में और मंदिर के प्रांगण में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती ही होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्राउड, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बहुत कम क्राउड है, बट जैसे जैसे हम मंदिर के प्रांगण के सामने आते हैं यहाँ पे जो भीड़ है वो रहती ही है। ये जूता चप्पल कहाँ? ये है मंदिर का व्यू, फ्रंट व्यू ही देख सकते हैं आप। दूसरा किसी दर्शनार्थी को यदि कोई मोबाइल बैग पर्स इत्यादि मिलता है तो उसे अपने पास न रखते, अनाउंसमेंट चर्चा को जमा कराए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे पुण्य कमाने आए हैं पाप ना कमाएं, बिल्कुल किसी की चोरी या किसी का सामान ना रखें अपने पास। अगर आपको मिलता भी है आपसे भी रिक्वेस्ट है हमारी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सामान रह जाते हैं फिर परेशान होते हैं बेचारे, डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर्स में। बाकी ये है फ्रंट व्यू, ये केदारनाथ धाम मंदिर है और ये इसका फ्रंट व्यू है। मौसम आज क्लियर है, कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ आज का यहाँ पे क्लियर बता रखा मौसम, बट अब 7-8 दिन का थोड़ा सा जो यहाँ का मौसम पूर्वानुमान है केदारनाथ का वो बारिश वाला है। तो डेली की अपडेट तो वैसे भी मैं आपको देता ही हूँ, तो फिर हम आपको बताते रहेंगे। ये है आगे का व्यू यहाँ पे मंदिर के फ्रंट का, बाकी आपको करवाते हैं अब आज के दर्शन। वो घंटी वो घंटी वाह।
बहुत बढ़िया। तो ये है केदारनाथ मंदिर प्रांगण का व्यू 31 मई 2024 का आज लास्ट डेट है इस मंथ का, और इसी महीने केदारनाथ जी के कपाट खुले थे 10 मई को। आज पूरे 21-22 दिन हो चुके हैं कपाट खुले हुए। ये है मंदिर के फ्रंट का व्यू। ये है 31 मई 2024 के दर्शन। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दर्शन अभी चल रहे हैं। क्राउड काफी ज्यादा है, लोग यहाँ पे बैठे भी हैं नीचे, इसलिए कहाँ से भाई? यूपी। अच्छा, यूपी से। देख सकते हैं काफी गलत बात है भाई, ऐसे घुस रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है मंदिर में, अगर आप आए हैं तो आपको वेट भी करना चाहिए, तब भी होना चाहिए। ये तो फिर ढोंग हो गया कि आप ऐसे घुस रहे हैं यहाँ से अंदर, ये तो बहुत गलत बात है। पुलिस वाले सर वहाँ से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बट मतलब छिप छिप के लोग वहाँ से, 5-6 लोग अभी मेरे सामने 5 मिनट के अंदर घुस गए। तो पुलिस प्रशासन कितना काम करेगा, वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं अपना, इतने लोगों को समझा रहे हैं, ये भी आए हैं यहाँ पे जाने के लिए। और इनका मतलब है, इनका बोलने का मतलब है कि हमें यहाँ से सीधे डायरेक्ट घुसने दिया जाए यहाँ से जो जगह है। तो ये लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं यहाँ पे, इतने इन्होंने लाइन लगा रखी है और ये 5-5, 3-3 घंटे से खड़े हैं। चलो आजकल क्राउड नहीं है इतना, चलो चाहिए 1 घंटे से भी खड़े हों, तो टाइम है, टाइम तो सभी का इम्पोर्टेंट है। बट लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसके नीचे से घुस रहे हैं और सीधे उसके बाद अंदर जा रहे हैं, तो ये तो काफ़ी गलत बात है। और ये यहाँ पे अब आरती स्टार्ट होने वाली है, अभी तो खैर 2 घंटे बचे हैं, बट ये है कि लोग अपने लिए जगह रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो इतने लोग यहाँ पे आए हैं सारे घुसने वाले हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे से अभी 3-4 लोग तो मेरे सामने ही घुस गए, अभी एक मैंने आपको लाइव दिखा दिया। तो ये काफ़ी गलत है, अगर आप भगवान के घर पे भी चालाकी करते हो तो मैं क्या ही बोलूँ अब आपको फिर तो आपकी किस चीज़ की भक्ति है, दिखलावटी भक्ति है फिर आपकी। बाकी आप ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पे केदारनाथ मंदिर का 31 मई 2024 का। और अगर मेरी वीडियो से किसी को बुरा लग रहा होगा कि किसी का टाइम है ये सो करके, तो टाइम सभी का होता है भाई, सभी के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा हो जाए। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, जो धार्मिक बंदा होता है वो कभी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, उसके साथ 4 लोग होंगे तो 4 लोगों के लिए पहले वो सोचेगा, उसके बाद अपने लिए सोचेगा। तो आप धार्मिक बनिए, अगर धार्मिक जगह पे आ रहे हैं सिर्फ ढोंग मत करिए, और इस तरीके से पुलिस प्रशासन का को मतलब आप उनको चुनौती मत दीजिए बार बार, इसीलिए परेशानी होती है। दिन में भी यहाँ पे हुआ था पुलिस वालों के साथ, सुबह की बात है, उस टाइम हम कैमरा अपना रिकॉर्ड नहीं कर पाए वीडियो, क्योंकि पुलिस वालों ने मना किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे भी यात्री उस वाले गेट से, वीआईपी गेट से सीधे अंदर जाना चाह रहे थे, तो एक पुलिस वाले जो सर थे वो बहुत परेशान हो गए थे, तंग हो गए थे, उन्होंने सिर्फ धक्का दे दिया एक यात्री को। और उसके बाद जो यहाँ के लोकल पंडित जी हैं और यहाँ के जो यात्री है वो सब उस पुलिस वाले सर को मारने के लिए पड़ गए थे। उसके बाद सारा पुलिस प्रशासन आया, इतना स्ट्रिक्ट हो गया उस टाइम कि उसके बाद फिर वहाँ पे आप खड़े ही नहीं होने दे रहे। अब मैं दिखाऊंगा उधर का आपको वीआईपी गेट का व्यू, वहाँ पे किसी को खड़े ही नहीं होने दे रहे। तो अगर आप पुलिस प्रशासन को उनको चैलेंज करोगे तो फिर वो भी आपको फिर उल्टा जवाब तो जरूर देंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, परेशान मत करिए, पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए ऐसे जगह, धार्मिक जगह, और चालाकी मत दिखाइए। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बस वही आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है मंदिर प्रांगण का व्यू, अभी कुछ श्रद्धालु शांत तरीके से बैठे हुए हैं और कुछ अभी दर्शन कर रहे हैं।
तो जो मैं भगदड़ बता रहा था आपको, वो सुबह यहीं भगदड़ हुई थी, वो यहीं के बाद थी वो। और अभी आप देख सकते हैं पुलिस वाले और जो आर्मी है वो कितने स्ट्रिक्ट है अभी यहाँ पे, किसी को भी यहाँ से अंदर नहीं जाने दे रही। नहीं तो उस टाइम यहाँ तक अंदर तक भीड़ थी, और अभी किसी को जाने नहीं दे रहे। और ये लोग यहाँ पे लाइन तो लगाते हैं, बट कोई यहाँ पे VIP दर्शन नहीं है, क्योंकि VIP दर्शन अभी यहाँ पे बंद है। और अभी देखो पूरे जो पुलिस वाले सर है, उनके जो सीनियर है, वो भी यहाँ पे खड़े हैं, ये देखो। इस वजह से, क्योंकि सुबह यहाँ पे थोड़ी सी झड़प हो गई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हैं इधर, देखो आर्मी भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, और श्रद्धालु कोई अंदर नहीं जा सकता। इससे पहले तो अंदर तक जा रहे थे सुबह, बट जिस टाइम वो झड़प हुई थी उसके बाद अभी कोई नहीं जा सकते। देखो इंस्पेक्टर सर भी है वहाँ पे अभी, तो सभी जो बड़े बड़े सर हैं वो इसीलिए यहाँ पे अभी तैनात है, क्योंकि सुबह थोड़ी सी झड़प हो गई थी। उसमें क्या हो गया था कि एक पुलिस वाले सर ने थोड़ा एक यात्री को, क्योंकि तंग हो गए वो लोग भी, संभालते लोग मानते नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा धक्का दे दिया, बट लोगों को बुरा लगा। चलो उन्होंने भी गलत किया, मैं भी उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, बट लोगों को भी सोचना चाहिए कि पुलिस एक क्या बोलते हैं, कम से कम यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2-3 हज़ार आदमियों के पीछे एक पुलिस है यहाँ पे, तो इतना सोचना चाहिए लोगों ने कि प्रशासन का हमें साथ देना चाहिए। बट लोग फिर जो पुजारी समेत जो यहाँ पे लोग थे, वो सब उस पुलिस वाले को मारने पड़ गए थे। बट उसके बाद सारे जो पुलिस वाले हैं और जो यहाँ पे आर्मी वाले सर हैं वो आगे आ गए, और उसके बाद अब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पे अब कोई अंदर ही नहीं जा पा रहा। नहीं तो फिर भी पहले तो ढीला भी कर रखा था उन्होंने थोड़ा मामला, कोई भी घुस भी पा रहा था एक दो लोग यहाँ से, और जो पंडितों के लोग थे वो यहाँ से जा रहे थे अंदर, बट अब उनको भी शायद नहीं जाने दे रहे हैं इस वजह से। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आते हैं तो आप भी पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, ताकि यात्रा को सफल और सहज बनाने में सभी की भूमिका रहे। यहाँ पे होते थे VIP दर्शन के टिकट, VIP दर्शन 2100 रुपये का होता था पर पर्सन, बट अभी VIP दर्शन बंद है। और ये भैरव मंदिर मार्ग पे ही है, और ये आप कर सकते हैं यहाँ से मंदिर प्रांगण के दर्शन और मंदिर के बाहरी हिस्से का दर्शन, ये देख सकते हैं आप। भीमशिला ऊपर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में भी अभी काफी ज्यादा भीड़ है। देखो प्रशासन कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है, बिल्कुल कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है वहां से, जब से झड़प हुई सुबह से, तब से बड़े बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस वालों, पुलिस और आर्मी के, वो सारे खड़े हैं वहां पे। सिर्फ जो अंदर से दर्शन करके आ रहे वही जा रहे, कोई VIP कोई कुछ नहीं। इससे पहले तो जा भी रहे थे कुछ कुछ लोग अंदर, जो यहाँ के पुरोहित लोग हैं उनके वो लोग लेके जाते थे तो जाने दे रहे थे, बट जब से झड़प हुई तब से स्ट्रिक्ट हो गया मामला। और ये देख सकते हैं आप, ये गंगा जल के रूप में माना जाता है जो केदारनाथ मंदिर प्रांगण में है, ये पानी ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे 4 गौमुख से आ रहा है, ये देख सकते हैं 4 नल लगे हुए हैं, गौमुख टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। और ये इधर साइड आप देख रहे होंगे, ये मंदिर है। इस मंदिर में भी अभी दर्शन चल रहे हैं। Thank you.
तो ये आप कर सकते हैं 31 मई 2024 के भीमशिला के दर्शन, ये देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं और ये है सामने भीमशिला। कल बारिश थी भीमशिला इस टाइम और भीमशिला में बहुत कम क्राउड था इस टाइम, बट अभी लोग यहाँ पे क्या है कि ऊपर यहाँ पे शांति है। मंदिर प्रांगण में तो काफी ज्यादा भीड़ होती है बट यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड नहीं होता है। दूसरी बात है पहाड़ दिखते हैं यहाँ पे, तो लोग मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये है भीमशिला का भी, तो ये तो थे आज के 31 मई 2024 के दर्शन जो मैंने अभी तक आपको करवाए हैं। अब आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ की जो आज की न्यूज एंड अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो काफी टाइम से अभी बंद किए गए हैं क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा हो गया था बीच में चार धाम यात्रा में। तो चार धाम यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन है ऑफलाइन वो बंद है और ऑनलाइन में ज्यादातर अभी फुल हो चुके हैं स्लॉट्स। तो ज्यादातर यात्रियों के हमें कमेंट्स और पर्सनल मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब खुलने हैं, तो मैं आपको काफी टाइम बता चुका हूँ कि 31 मई तक अभी फिलहाल बंद किए गए हैं। और अभी तक मैं ये जो वीडियो है अभी मैं स्पेशली थोड़ा लेट बना रहा हूँ इसको ताकि आपको ये इन्फॉर्म कर पाऊँ कि आज जो न्यूज है वो आएगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कन्फर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट मैं तब से वेट कर रहा हूँ बट अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हो पाया, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का अब कल की वीडियो में ही आपको कन्फर्म करूंगा क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, कई सारे श्रद्धालुओं को मेरे को कमेंट आया, मैंने कहा मैं अगली वीडियो में कंफर्म करूंगा बट अभी मजबूरन मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्म न्यूज आई नहीं अभी। बाकी वीआईपी दर्शन से रिलेटेड, वीआईपी दर्शन यहाँ पे बंद थे अभी तक, तो वीआईपी दर्शन से रिलेटेड मैं बता देता हूँ आपको, वीआईपी दर्शन की जो डेट है लिमिट है टाइम लिमिट वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, 10 जून तक कर दी गई है। अभी तक क्या था कि जो हेली टिकट वाले हैं सिर्फ उनको ही वीआईपी दर्शन करने दे रहे थे क्योंकि उनका टाइमिंग होता सिर्फ एक या डेढ़ घंटे का होता है यहाँ पे मंदिर में रुकने का, तो उनके लिए सिर्फ वीआईपी दर्शन थे, अदरवाइज कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं कर सकता था। बट अब क्या कर दिया है कि वो जो टाइमिंग है और बढ़ा दी है 10 जून तक, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर का पुलिस प्रशासन है और मंदिर समिति है उनके द्वारा लिया गया है निर्णय है। बाकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो हेली टिकट वाले हैं उनके लिए वीआईपी दर्शन होता रहेगा क्योंकि उनका टाइमिंग होता है सिर्फ डेढ़ घंटा, तो उन्होंने तो वापस जाना होता है, तो उनके लिए जो टाइमिंग है उनके लिए जो वीआईपी दर्शन है वो होते रहेंगे। बाकी जो अदर लोग हैं जिन्होंने वीआईपी दर्शन 2100 रुपये करके करने होते हैं अलग से, उनके लिए अभी टाइमिंग बढ़ा दी गई है। बाकी जो यहाँ का वेदर है आज, वेदर की मैं बता दूँ, अभी तक दिन से धूप लगी थी अच्छी, बस 1-2 बजे के बाद यहाँ पे डेली बादल आ जाते हैं, वो मैं आपको डेली न्यूज़ देता हूँ, बट आज बारिश नहीं हुई है, आज यहाँ पे मौसम साफ रहा है, देख सकते हैं आप पीछे बादल तो काले आ चुके हैं चारों तरफ, इधर का व्यू भी आप देख सकते हैं पहाड़ियों का। बट ये है कि यहाँ पे आज बारिश नहीं लगी है, देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा। और इसके बाद जो 1 वीक यहाँ का बताया गया है मौसम पूर्वानुमान है जो उत्तराखंड और केदारनाथ का, उसमें यही है कि थोड़ा बारिश दिखाई गई है यहाँ पे, 1 हफ्ते तक रेगुलर बारिश हो सकती है और उससे राहत भी मिलेगी जो प्लेन में थोड़ा सा यहाँ से ठंडी हवाएं जाएंगी क्योंकि दिल्ली में अभी 52 डिग्री हाईएस्ट जो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी ने, तो उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिल पाए, तो बारिश ज़रूरी भी है। और अगर आप आते हो यात्रा पे तो यहाँ के लिए यात्रियों के लिए तो जो बारिश है वो थोड़ा सा उसके साथ आपको सतर्क भी होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी में भी यहाँ पे डेली आजकल बारिश भी नहीं हो रही थी और डेली यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है 3 घंटे आपका, 3, 4, 5
और कभी कभी 4 घंटे तक, 6 बजे तक माइनस में रहता है टेम्परेचर। और अब तो जब बारिश आएगी तो यहाँ पे इस टाइम भी कभी कभी माइनस में जाता है टेम्परेचर। तो आप अपने साथ ग्लव्स और कैप और अपने जैकेट, रेनकोट, छाता, सारी चीज़ें अपने साथ लेके आएँ ताकि यहाँ पे आपको सुविधा हो, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपने साथ जो मेडिकल किट है, अपना दवाइयाँ हैं, वो भी जरूर लेके आएँ ताकि अगर आप ट्रैक चढ़ते हो तो उस टाइम पर अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है, और जिसको ज़्यादा थोड़ा सा सांस लेने से रिलेटेड दिक्कत है, किसी को शुगर और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आएँ। और उसके बाद अगर उनके डॉक्टर उनको बोलते हैं आने के लिए तो ही वो केदारनाथ या चारधाम यात्रा में आएँ। और वैसे भी अब केदारनाथ और चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ई स्वास्थ्य धाम ऐप करके जो 50 से ज़्यादा एज वाले श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए उस ऐप में वेरीफाई होना जरूरी है। जितने भी उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उनके टेस्ट होंगे, तो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो वहाँ पे देनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप स्वस्थ होंगे बिल्कुल तभी आप यहाँ पे आ पाएंगे। बट जो और लोग भी है जिनको जिनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग जरूर अपना चेकअप करवा के अपने डॉक्टर की सलाह लेके, और हो सके तो अपने साथ कपूर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी जरूर रखें ताकि आपको उससे कोई प्रॉब्लम अगर होती भी है कहीं पे तो वो आपकी हेल्प कर सके। बाकी जब से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है तब से यहाँ पे लोगों का तांता तो लगा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड में, बट साथ साथ में यहाँ पे आपको सावधानी भी बरतनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान भी जा रही है। और मैं आपको हर एक वीडियो में इसको इसलिए बताता हूँ ताकि आप सतर्क रहें और आप यात्रा आपकी सफल रहे, क्योंकि यहाँ पे जो 50 से ऊपर वाले जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सांस की दिक्कत होती है यहाँ पे, वो तो है ही, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड एरिया है। और जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शुगर, कोई भी आपको बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आएँ। और अगर आपको वो अनुमति देते हैं तो उसके बाद जो मेडिकल किट देते हैं वो भी अपना साथ रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर, कपूर भी साथ रखें, वो आपके लिए ही सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी तक चारधाम यात्रा में 67 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जिसमें से जो 70% श्रद्धालु है वो 50+ एज के हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप करके जो 50+ एज वाले जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि उन्होंने उस ऐप में वेरीफाई करना है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो आप संभल के आइए। अगर आप 50+ एज के हैं और अपने साथ जो मेडिकल किट है वो सारी चीज़ें जरूर रखिए। बाकी जो टोटल डेथ है 67 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा केदारनाथ में ही है, 33 वो अपडेट हो चुका है, इससे पहले 27 था, बट 33 डेथ यहीं पे हुई है केदारनाथ धाम में। बाकी आज की न्यूज़ यही थी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको कल बता दूंगा, वेदर आपको बता दिया, वीआईपी दर्शन की डेट अभी इन्होंने और बढ़ा दी है, वीआईपी दर्शन अभी नहीं होंगे 10 जून तक, और शायद उसके बाद भी कंफर्म नहीं है। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका आपको अब कल कंफर्म होगा कल वाली वीडियो में, तो कल वाली वीडियो भी जरूर देखना। बाकी जो ये वीडियो है इसको कर रहा हूँ यहीं पे एंड, सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर देना। आज मेरे को 390 दिन हो चुके हैं पूरे घर से बाहर रेगुलर, अभी मैं अपने उत्तराखंड में ही हूँ, मेरा स्टेट है उत्तराखंड, बट ये कि घर में मैं अभी तक नहीं गया, 390 दिन से रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ, भारत यात्रा पे हूँ। बाकी जो ये वीडियो है इसको जरूर शेयर कर देना उन लोगों को जो चारधाम यात्रा आने वाले हैं और केदारनाथ आने वाले हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी डेस्टिनेशन पे केदारनाथ धाम में नई न्यूज एंड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।